यो जोगिंदर थारा बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं। चल बे बनकर क्या कर। तो कैसे आप लोग लोग तब तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूं केपी, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। तो आज मैं दोबारा से खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों से मैं कल बात करता हूं, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। 24 hours later मैं आज माइनक्राफ्ट नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा माइनक्राफ्ट हार्डकोर। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? तो आज मैं अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में डायमंड माइनिंग करने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डायमंड की बहुत कमी है। मेरे पास डायमंड पिकैक्स है, पर मैं वो माइनिंग के लिए नहीं लेके जाऊंगा। मैं पूरे 5 दिन सिर्फ आयरन पिकैक्स से ही माइनिंग करूंगा। आप देख सकते हो मेरे इन्वेंटरी में कितनी सारी पिकैक्स पड़ी है, वो भी आयरन की। तो अभी मेरे ख्याल से मैंने सारा सामान तो ले लिया है, खाना भी ले लिया, पिकैक्स भी ले ली, बस अब डायमंड माइनिंग के लिए निकलना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बोला है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायमंड माइनिंग का प्रूफ भी दूंगा। आप यहां पर देख सकते हो मैंने 1 hour 12 minutes की रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर मुझे रियल माइनिंग नहीं दिखानी होती तो मैं 1 hour 12 minutes की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता ही क्यों। तो अभी मैंने सारा सामान ले लिया है, तो अभी मैं निकल जाता हूं माइनिंग के लिए। स्वागत नहीं करोगे अब? चले जाओ यार, इसने हंगर का इफेक्ट दे दिया। पहले मैं इतना बचा बचा के खाना यूज कर रहा हूं, जितना मैं खाना लेकर आया हूं वो 5 दिन चलना भी तो चाहिए। तो मैं अभी डेजर्ट बायोम से निकलने के बाद माइनिंग करना चालू करूंगा, क्योंकि डेजर्ट बायोम में मुझे माइनिंग करनी ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी माइनिंग यहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि डेजर्ट बायोम यहाँ से खत्म हो चुका है। तो पहले मैं 12 कोऑर्डिनेट्स तक जाऊंगा और उसके बाद माइनिंग शुरू कर दूंगा। यहाँ पे कॉपर ले लूं क्या भाई? कॉपर काम नहीं आएगा ज्यादा, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट माइनिंग करने जाता हूं। ओ भाई साहब, मैं टॉर्च लाना तो भूल ही गया, और मेरे पास कोल भी नहीं है, पर मेरे पास वुड है। मुझे अगर अभी कोल मिल जाएगा तो मैं टॉर्च अभी बना दूंगा, मेरे पास वुड तो है ही। ओ भाई साहब, कितने सारे ब्लॉक्स मैं नीचे गिर गया। मैं जब माइनिंग करने आया तो मुझे याद ही नहीं था कि मैं हार्डकोर खेल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक बार मरा तो मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। पहले तो मैं ये नीचे वाला लावा बंद कर देता हूँ, और वाटर बकेट तो मैं अपने साथ लाया ही हूँ, मेरे सब काम परफेक्ट रहते हैं। नीचे जाते जाते यहाँ पे कोल दिख गया, तो मैंने सोचा कोल यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। अच्छा हुआ कोल मिल गया, क्योंकि मैं टॉर्च लाना ही भूल गया हूँ, तो टॉर्च पहले मैं बना लेता हूँ। और बोलता है सब काम परफेक्ट होते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मैं वुड तो लाया ही हूँ और अभी कोल भी मिल चुका है, तो मैं अभी टॉर्च बना लेता हूँ। तो पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। अरे पर टॉर्च तो बिना क्राफ्टिंग टेबल भी बन जाती है, तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्यों बनाई? जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। तो अभी मैंने 56 टॉर्च बना लिए। तो अभी मैं आपको 12 कोऑर्डिनेट पर पहुंचकर मिलता हूं। तो अभी मैं 12 कोऑर्डिनेट पर पहुंच गया हूं और माइनिंग शुरू कर दी है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि डे 1 में मुझे कितने डायमंड्स मिलेंगे। ये कौन सा स्टोन है, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छे दिख रहे हैं, ले लेता हूं थोड़े से। तो मैंने ये 26 स्टोन कलेक्ट कर दिए हैं, पर डायमंड मुझे एक भी नहीं मिला है अभी तक। देखते हैं कितनी देर में मिलता है। 20 मिनट्स लेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ओ भाई साहब, इतनी देर बाद, 7 जन्मों बाद मुझे एक डायमंड मिल ही गया। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक नहीं 4 डायमंड्स है। ये 2 डायमंड्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओ भाई साहब, डायमंड्स की बरसात हो गई। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। मेरा गोल है 5 दिन में कैसे भी करके 60 डायमंड्स लेके जाने हैं, क्योंकि फॉर्च्यून 3 की तो पिकेक्स है नहीं, और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये भी ठीक है। मुझे पता है किसी किसी को लग रहा है कि मैंने ये डायमंड्स खुद रखे हुए हैं। एक्चुअली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक जगह पर 9 डायमंड्स कैसे मिल सकते हैं। जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि ये डायमंड्स मैंने रखे हुए हैं, तो प्लीज ये वीडियो को बंद कर दीजिए। अगर मुझे ही डायमंड्स रखने होते तो मैं 1 hour 12 minutes की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता ही क्यों। मैं 10 मिनट में भी कम्प्लीट कर सकता हूँ ऐसे तो। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। मैं डायमंड माइनिंग करने आया हूँ, पर मुझे मिल रहा है रेडस्टोन। यहाँ पर इतना सारा रेडस्टोन पड़ा है, इतना सारा रेडस्टोन पड़ा है। किसी ने सोची ना होगी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो बवंडर आ जाएगा। बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। तो डे 2 चालू है और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला है, और रेडस्टोन तो मुझे मिलते ही जा रहे हैं। 24 hours later
यार मैंने सुना है लावा के साइड में बहुत सारे डायमंड्स होते हैं, पर यहाँ पे तो एक भी नहीं है। ओ भाई साहब यहाँ पर एक डायमंड है यार, और अंदर होने चाहिए, 10-12 तो मिल जाए एक ही बार में। औकात में रहो। ये लिया मैंने एक डायमंड। आज अकेला कैसे आया? अरे भाई सिर्फ एक ही डायमंड है क्या? डे 2 में मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला, डे 3 में मेरे साथ स्कैम हो गया। ये थारा भाई छछुंदर का नाम लेकर तो बवंडर आ गया। और डे 1 में इसका नाम नहीं लिया था तो बहुत सारे डायमंड्स मिल गए थे। बहुत बड़ा मनुष्य इंसान है ये। 20 minutes later। देखो यहाँ पर भी इतना सारा रेडस्टोन पड़ा है, पर ये अच्छी बात है कि गोल्ड भी पड़ा है। मेरे पास रेडस्टोन बहुत जमा हो चुका है तो पहले मैं गोल्ड ले लेता हूँ। वहाँ पे लावा के ऊपर भी गोल्ड पड़ा है, पर मैंने तो सुना है भाई डायमंड्स मिलते, पर डायमंड्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे दूर लावा के इधर पड़ा क्या है? ये तो रेडस्टोन है, पर मुझे आगे देखना है। ओ यहाँ पे डायमंड्स है, देखते हैं यहाँ पे कितने डायमंड्स मिलते हैं। यहाँ पे एक नहीं दो डायमंड्स हैं। ये देखो ये निकला एक डायमंड। ओ यहाँ पे दो नहीं चार डायमंड्स है। ओ यहाँ पे 5 डायमंड्स हैं। भाई सच बता रहा हूँ ये केव तो मेरे लिए बहुत लकी निकली। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे डायमंड्स खत्म हो चुके हैं। यार ये लावा को पहले बंद करना पड़ेगा। ओ वहाँ पे डायमंड्स है, ये देखो सामने। क्या पता अभी कितने डायमंड्स मिलेंगे, काश 10-12 मिल जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओ भाई साहब यहाँ पे तो डायमंड्स ही डायमंड्स है। 7, 8। यार पूरे के पूरे 8 डायमंड्स मिल चुके हैं मुझे, और वहां पे मुझे मिले 5 डायमंड्स और पहले एक मिला था। तो तीसरे दिन पे मुझे मिले हैं 14 डायमंड्स और मुझे टोटल डायमंड्स मिले हैं 23। तो डे 4 चालू हो चुका है और देखते हैं डे 4 में कितने डायमंड्स मिलते हैं। तो अभी मैंने माइनिंग फिर से शुरू कर दी है क्योंकि वो केव मैंने पूरी एक्सप्लोर की पर और डायमंड्स वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने सोचा ऐसे माइनिंग करना फिर से चालू कर देते हैं। कोल, रेडस्टोन, लैपिस लजुली सब मिल रहे हैं पर डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है ये डायमंड्स? यार मुझे डायमंड्स नहीं मिल रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। इतनी देर बाद आखिर डायमंड मिल ही गया। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4। भाई 4 डायमंड्स मिले मुझे सिर्फ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको वही क्लिप्स दिखाता हूँ जिसमें मुझे डायमंड्स मिलेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो अभी मुझे टोटल 61 डायमंड्स मिल चुके हैं। तो अभी भी 5th डे का थोड़ा सा टाइम बाकी है, पर मैं और डायमंड माइनिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ यार। मैं तो जितना जल्दी होगा मैं उतना जल्दी निकलने वाला हूँ ऊपर। तो मैं आपको ऊपर जाके मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। चलो जोगिंदर के नाम पे लाइक कर दो। अरे क्या बोल रहा है, जोगिंदर के नाम पे हमें डिसलाइक मिलेंगे। आपको पता है अगर आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे तो वो रेड से ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर आपको ये मैजिक झूठ लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके देखिए। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।